चला गया घर वापस नानों के साथ, और मैंने फिर उनके जाने के बाद घर की सफाई की, किचन वगैरह साफ किया, आयला के कपड़े वगैरह चेंज करवाए, और नीचे उन्होंने बिस्तर वगैरह डाले हुए थे रात को जो उन्होंने एंजॉय किया वो सारा कुछ समेटा नाश्ता वाश्ता करने के बाद। तो वो तो खैरियत से घर पहुँच गए और हम अपने घर में लगे हुए हैं। बस आज संडे है तो संडे के दिन यही है कि बस कपड़ों को तह लगा के रखें, यूनिफॉर्म वॉश करें, बाकी सारी चीज़ें सीधी करें, ये करें वो करें। तो संडे वाला बिजी है क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे को भी जाहिर और मादी घर पे थे, कल सैटरडे को भी उन्होंने छुट्टी की थी तो आज वो काम पे गए हुए हैं। तो वो दोनों बाप बेटा काम पे हैं, जाहिर और मादी, और मैं वो हाब और आयला भी घर पे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो फिर अभी टाइम हो चुके हैं तकरीबन 4 बज चुके हैं, आफ्टरनून का टाइम हो गया, तो अभी थोड़ा टी टाइम भी हो रहा है तो वो भी बना के पीती हूँ। पहले जो सुबह नाश्ते बनाई थी वो तो मैं पी पी के ख़त्म कर दी, तो अभी जो मेरी बैटरी थोड़ी लो हो रही है तो मेरा पूरा दिल कर रहा है कि मैं चाय बनाऊँ, चाय बना के पीऊँ। तो फिर देखते हैं क्या करते हैं, करना क्या है वही, फिर खाना पकाओ, ये करो, रेडी हो, कपड़े चेंज करो, तो वही करना है। तो साथ आपको लेके चलते हैं, देखते हैं और क्या होता है। ये आयला बीबी लगी हुई है, बस स्लाइम वो जो उस दिन बनाई थी इसने और वहाब ने, तो ये उस स्लाइम के साथ खेल रही है। लेथ चला गया है तो आयला फिर इधर बिजी हो गई है, तो अभी बोल रही है कि लेथ फिर अभी आएगा, तो मैं कल तो नहीं आएगा, वीकेंड पे आएगा या देखते हैं कब आता है, लेकिन इंशाल्लाह। नो ये खां आयला सिर्फ वीकेंड पे होते बच्चे। तो चलो आयला लगी हुई है खेल रही है और देखते हैं वहाब क्या कर रहा है। और ये देखे हमारी मियाँ भी, मियाँ शोर है, मियाँ मियाँ हेलो मियाँ ये बाय फिर के आया और ये सो गया। और हेलो वहाब, लुक कितना मैसी बना हुआ है वहाब, ये देख लें, ये जब से उठा है इस बेचारे को, ये आयला और जो लेथ हैं ये इन दोनों ने इसको रात को काफ़ी बिजी रखा क्योंकि वो सो नहीं रहे थे, देख रहे थे मतलब उनके साथ थे, तो इसने पूरा उनका जो है ना क्या नाम है उनकी लुक आफ्टर की उनका, मतलब जब तक वो रात को दोनों सोए नहीं है तो फिर वहाब उसके बाद सोया कि बच्चे हैं दोनों तो ये है कि मतलब सोएंगे नहीं, अगर मैं सो गया तो मम्मी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई हुई है, तो फिर उनको सुला के फिर ये सोया। और फिर वो आयला और लेथ वहाब क्या किया उन्होंने, सुबह सुबह उठ गए ना, हाँ तो वहाँ फिर सुबह सुबह 5 बजे, वो तो मैं खुद भी जाग रही थी उस टाइम पे, तो वो उठ गए और फिर वहाँ को तंग करना शुरू कर दिया, हमें भूख लगी है, हमें खाना दो, हमें ये करके दो, फिर सीरियल वगैरह उसमें डाल के खाए, फिर नाश्ता हमने लेटर ऑन फिर बनाया था क्योंकि उन्होंने पहले उनको उठ के लगे हुए थे, दोनों मस्ती कर रहे थे, हम सब सोए हुए थे। जी जैसे मैंने बताया कि हम सब सोए हुए थे, तो वहाब की बेचारे की रात तक जो है ना जिम्मेदारी थी तो लगा रहा, तो ये अभी फिर ऐसे बैठा हुआ है, ये आया है, इसने नाश्ता वगैरह किया है, तो तब से ये अपना इसने कंप्यूटर पर अपना काम पहले करना था जो अपना कॉलेज का था, तो अभी पता नहीं कुछ और अपना काम कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो चलते हैं जी, मैं बनाती हूँ चाय और चाय पी के चार्ज हो, तो चार्ज होने के बाद फिर मिलते हैं। जी तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ और काम वगैरह तो कर लिया और आयला को भी चेंज कर दिया और वो नीचे बैठी है, अब टीवी देख रही है, नीचे गई हुई है। तो मैंने अपना चाय का कप बनाया चार्ज होने के लिए और साथ में कॉफ़ी जो है वो मैंने गर्म किया, तो अभी मैं थोड़ी हो जाऊँगी चार्ज। और वहाब इंजॉय कर रहे हैं, वो उसी कपड़ों में बैठा हुआ है, उन्हीं कपड़ों में आई थिंक आज इसी तरह इसका टाइम गुजरेगा। तो मैंने साथ में ये अपनी रेडी करके रखी हुई है एपिलेटर जो होता है मशीन जो है, मैं इससे ऑलवेज जैसे आपको पता है सारी खवातीन इस्तेमाल करती हैं, तो आपके बाजू से जो एक्स्ट्रा आपके हेयर होते हैं जो आप नहीं चाहते कि नजर आए, तो ये मैं ऑलवेज यूज़ करती हूँ, शुरू से ही यही होता है जो मतलब नॉर्मली मैं करती हूँ, चूँकि कोई भी कंपनी हो जाए मतलब सैमसंग की हो कोई भी, लेकिन ये मैं अपने लिए बाजू वगैरह पर यूज़ करती हूँ अगर आपने करनी हो तो। मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत सारी खवातीन करती होंगी और जिनको नहीं पता, तो ये बेस्ट होता है, स्किन भी ख़राब नहीं होती है सारा कुछ। यस मी अच्छो ना एंड यानी कि बेसिकली अभी मैं सारा काम शाम फ्री करके, तो आज संडे है तो अभी चाय पीने के बाद मैं अपने आपको टाइम दे रही हूँ, मैं अपने फेस को साफ करूँ, अपने बाजू वगैरह साफ करूँ और फिर मंडे से नया स्टार्ट लेंगे। तो मैंने कहा ये थोड़ी सी आपको शेयर करूँ क्योंकि बहुत सारी लड़की खवातीन लड़कियाँ चाहिए होती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है, तो ये करूँ।
तो अभी ये मैं अपना चाय पी लूँ, चाय हो जाऊँ, ये अपने थोड़ा सा काम कर लूँ, अपने आप को थोड़ा टाइम दूँ, या कि बेसिकली मैं अपने आप को अपना टाइम दे रही हूँ, जिसे बोलते हैं क्वालिटी टाइम। तो ये मेरा अभी टाइम है, मैं अपनी बेडरूम में बैठी हुई हूँ, रिलैक्स होकर चाय पी रही हूँ, साथ में अपना प्रोग्राम लगा कर बैठी हुई हूँ। तो फिर जी वो ये सर करके फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। जी तो अभी थोड़ी देर हुई है, जहर मादी भी आ गए हैं घर पे, इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज किए, इन्होंने थोड़ा काम बाहर जाना है, फिर वापस आएंगे घर पे। हेलो आयला। तो जी जा रहे हैं, ये कोई थोड़ा काम है इनको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। यस चले असी थोड़े जे कम है, इंशाल्लाह थोड़ी देरी चाह जसा ते नाजो खाना तैयार करने लगी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर खाना खासा कोई पता नहीं क्या खासा खासा कुछ ना कुछ खासा। तुसी सुनाओ ठीक ठाक हो? मिली है मेरी भैन, कैसी है? ठीक है। हिना फ्रॉम जर्मनी को नहीं प्लीज के किधर गए हो? I can't take it anymore. Smart TV. Yeah. MashaAllah. Hello. Assalamu alaikum. Smart TV. एक नहीं पता भरा का या पैरा का। Yeah. सारे जो कमेंट कर रहे हैं सब आप किसी का नाम नहीं याद रहता। आप पैर भरा मेरे नीसेस नेफ्यूज यू नो चाचा चाची माई ते बाबा जी सारे ने सलाम मेरे तरफ को। anyway, वो सलाम शाम तक रोज कर देने दे। तो दसो नाजो आज क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम है? मैं अभी लगी हुई थी अपना काम कर रही थी, वो आप लोग आगे रेडी होके जा रहे हो तो मैं आओगे तो बस खाना खाएंगे और रात को सो जाएंगे। खालो का आज तो सारा टाइम गुजर गया। स्टिल बाहर नजर आ रहा है कि लाइट है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है 7 बज चुके हैं। साढ़े सात हो गए। हाँ तो देख लें, सुबह स्कूल बच्चों ने जाना है, खाना वगैरह अपनी तैयारियां कर रही है, लगा रही है। और बैटरी टूट जाएगी। ये कहाँ पे छुपाए हुए शूज? ये शूज कहाँ पे रखे हुए थे? ओह माय गॉड, इधर छुपा के रखे हैं। जगह फिर नहीं होती है, शूज वाली जगह नीचे नीचे रखो। चलो एक जोड़ा ऊपर रख छोड़ आधा वे मैं ये ना रखता, अपने पहला दुए नहीं सी रखता एले। अब ये पुराने आधा वे उधर डंप है। What did you say this day? Yeah, it's wet, man. It's moisture. Moisture. Conservatory jo the jutiya lai diye. Itni garam jagah hai. It's not. Theek hai, sari duniya ne shoes pehne, mere mehenge mehenge shoes pehne. Ek jada da bachcha utthe nahi rakhta, apne room mein rakhta hai. Ji, to मैंने ले लिया शावर वगैरह। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं अपना क्वालिटी टाइम खुद को दे रही थी, अपना मुंह वगैरह साफ किया सारा कुछ, तो शावर वगैरह लेके अभी हो चुका है मगरब की नमाज का टाइम, तो वो मैं अदा करूंगी। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि जहर मादी दोनों बाप बेटा आए थे घर पे काम खत्म करने के बाद। अभी काम के सिलसिले में वो किसी से मिलने गए, तो वो कपड़े वगैरह चेंज करके वापस गए। तो खाने का टाइम भी हो चुका है, 7:15 बज चुके हैं। लाइट तो होती है लेकिन खाने का टाइम तो हो रहा है। लेकिन ये भी आपके साथ शेयर कर रहा था कि पिछला वीक हो चुका है, जाहिर और मादी दोनों ने जो है डाइट शुरू की हुई है, कि मतलब हेल्थी डाइट, ये नहीं कि बिल्कुल खत्म, लेकिन ये कि सैलड वगैरह रोटी कम की हुई है। बेशक मैं बनाती रही हूँ, ये दरमियान में बिरयानी वगैरह वहाब की फरमाइश पे मैंने बनाई है वीकेंड पे, वो इसने थोड़ी सी खाई, यानी कि अमाउंट जो है इन्होंने काफी कम कर दी है। और नाश्ते में भी मतलब ऐसी चीजें ले रहे हैं कि जो ज्यादा जिनसे वजन ज्यादा ना बढ़े, ये वो सारा कुछ। तो मादी का तो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, शायद वो मतलब वो एक टाइम उसने खाना शुरू किया हुआ है, वैसे भी वो नाश्ता बहुत कम करता है, लेकिन उसके फिजी ड्रिंक जो हैं वो क्या नाम है एनर्जी ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा पी रहा था, तो हमने उसके वो भी बंद करवाए हैं, तो बहुत कम हुए हुए उसके। और मैंने भी जो है नॉर्मली जो खाना वगैरह है
वो मैं नॉर्मल सुबह नाश्ता भी आपके सामने मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो रोटी भी है वो भी बंदा डेढ़ रोटी खा लेता है, दो जो तंदूर की होती है पतली पतली बनाती हूँ, तो वो मैंने कम की है। और दूसरा मेरी बैड हैबिट थी, मुझे बहुत शुरू से बचपन से ही जब से मैंने होश संभाली मुझे आदत है कि रात लेट को मुझे खाने की आदत है, कुछ भी मंच मैंने करना होता है स्वीटें चॉकलेट या खाना रोटी जो भी हो मुझे खाना जरूर है लेट, जब सारे बच्चे वगैरह सो जाएं या उससे पहले भी लेट मैं मतलब टीवी देखते हुए कोई ना कोई चीज़ खाती हूँ। तो ये हैबिट जो है मैंने अपनी ख़त्म की है, तो इंशाल्लाह आप सब दुआ करना और अल्लाह के हुक्म से, और हमारी कोशिश को जाहिर सी बात है हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपना वेट कम करने के लिए। तो ये हम तीनों बंदों ने जो है ना डाइट शुरू की हुई है, तो आज मैं बना रही हूँ मतलब कोई खाना नहीं बनाना रोटी नहीं बनानी, क्योंकि वीकेंड पे हमने एक चीट डे रखा हुआ है और वैसे भी नानू और खाला आते हैं, तो फिर हमने कहा कि उनको तो नहीं हमने डाइट करवानी, तो उनके साथ हम भी थोड़ा कर लेते हैं लेकिन अमाउंट कम। तो आज मैं बना रही हूँ ट्यूना सैलड जो होता है वो क्या नाम है पास्ता सैलड जो होता है हेल्थी वाला वो वाला, तो पास्ता भी मैं ब्राउन लेके आना शुरू हो गई हूँ क्योंकि वो थोड़ा हेल्थी होता है, जैसे आटा आप होल लेके आते हो इस तरह, तो वो बनाऊंगी। तो अभी मैं नमाज अदा कर लूँ, ज़ाहिर मादी आ जाए तो फिर हम खाना वगैरह खाते हैं और थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जी। तो अभी हो चुका है टाइम सोने का, मैंने अभी शाह की नमाज अदा की, उससे पहले आयला को बेड में डाला और बस जी सोने का टाइम हो चुका है, सुबह वही नॉर्मल रूटीन, मंडे का दिन होगा, वहाब कॉलेज जाएगा, अल्लाह स्कूल जाएगी, ज़ाहिर मादी काम पे जाएंगी और मेरा और आपका साथ होगा। तो आज के लिए मैं आपको अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी इधर, इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला के हुक्म के साथ आपसे कल मुलाकात होती है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।